के लू टूट में खा कसम कह रहा बाप भवानी की सुन इसी तलवार से सर हुक्म देता सिपाही न देरी करो हुक्म देता करो इस कमीने तो कर लो गिरफ्तार तुम भाग कर जान पाए और कमीना नहीं नैन से खींच लो अपनी तलवार। भीम सिंह तेरी भलाई इसी में है, ये थैला मुझे दे दे और यहां से वापस चला जा। नहीं, अपने जीते जी ये थैला तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे हम। शेर खान क्या देखो काल मैं बहुत भारी गुंडा हूं, जहां रहता हूं वहां के चोर और दुर्व्यवहार के टट्टी के पैंट में हो जाते हैं। तो तुम शेर खान हो, अनजाने शेर खान गुजा गिरा तेरा बहुत अंत हो गया है। तूने मेरे साथी को मार रहा है, मैंने कहा मैं आज 3 दिन से गुंडई कर रहा हूं, जहां रहता हूं थाने में उस इलाके में कोई चोर और बदमाश निकलते नहीं, मैं गुंडा। आए बोल बोल तेरी गुंडाई कहाँ गई बोल। हमारी गुंडाई मेरे गाने मर गई। ये जलास हो ये हमारे गरीब आदमी हैं। अरे हम बहुत दूर के मनाए हैं। आई एम दिल्ली पुलिस उर्फ चोरपिया श्रीमती बहुत कमांडो आदमी है ना। दिल्ली पुलिस चौरसिया और श्रीमती बहुत कमांडो आदमी है। राम प्यारी सिंह हाँ वही ब्यास इसके टट्टी में पेंट हो गया। सुन, चाय नहीं देना इसे। सुन, तू आवाज नहीं लगाएगा और जो मैं करने जा रहा हूं उसे देखेगा। आवाज नहीं लगाना। क्या कोई है मेरे जंगल का साथी? भीम सिंह साथी शेर खान का खून कर दिया, वो भगवान को प्यारा हो गया है जागीरा। लेकिन जागीरा तुझे ऐसी मौत देगा कि तू ना मर सकेगा और ना
लो लोहे की दो सलाख है गरम। अरे आंख इसकी सुनो तुम अब। नोच खा जाएंगे। अरे बीच जंगल में जाकर सरदार जी तुम्हारा साथी लाया गरम गरम गाय मेरी तलवार में छुआ दिया। गरम गरम तलवार सरदार जी कौआ मारे बखना हार अखियों को रहने दो अखियों को रहने दो अखियों के आस पास दूर से दिल की बुझती नहीं रहम आ गया। अब तुझे अंधा नहीं बनाऊंगा लेकिन तुझे कुछ सबक देना पड़ेगा। कुछ सबक देना पड़ेगा क्या सबक? ना तुझे अंधा बनाऊंगा ना तुझे जान से मारूंगा केवल तुम्हारी शान मारूंगा शान। अरे नहीं सरदार जी शान गए शान नहीं आती है जान गए तो जान तो दूसरा चोला में चली आती है लेकिन शान नहीं आता है। सरदार जी अगर तू कहो कि चलो कहो निहुर जाओ तो हम निहुर शान न मार। चुप सुन तुझे तुझे डांस करना पड़ेगा। सरदार जी डांस तो हमें आवत नहीं। आवत है आवत है आवत है आवत है आवत है लेकिन ज्यादा स्पीड में नहीं जैसे 35-30-40 हद आए 40 चक्कर हो गए। एक बार हमारा टायर पंचर है। तुम डांस करोगे और मैं जो कहूं उसे गायकी में बोलोगी। अच्छा सही बात सही बात सही बात। मैंने जो कुछ देखा भैया लेकिन कुछ जानते नहीं। अच्छा अब हम आपकी बात समझ गए सरदार जी।
कि जैसे इनका मारे हो हमका मारे हो, इनके आँख फोड़े हो, हमसे केहू पूछे का भा, तो यह बताए कि मैं तो सब कुछ देखा भैया, लेकिन जानते नहीं, जानते नहीं। तो ड्रामा में कहना है कि गायकी में, गायकी में कान पकड़ो लाइए अपना, हम जाए तो हर कान पकड़ेगा। अरे मैं तो सब कुछ देखा भैया, लेकिन जानते मैं तो सब कुछ देखा भैया, लेकिन जानते साथे भूनो पीछे। ये बोल तू क्यों हंस रहा है? अब ये देख रहा हूँ कि जमालू वह कुर्सी बैठा उला रहता है, उन्होंने दिया नहीं थमती है, तो सिपाही है कि ये ब्रेक डांस करता है, तो हम कहा लो हंसे ले तू भी नाचेगा, मजेदार नहीं उनके टेरे पंचरबा हमारे रिमिन फा दिया, तू भी डांस करेगा और डांस के साथ साथ गीत बोलेगा, पीपर तरह सोए गयो बुध लड़कियां। चलो भाई मजबूरी के नाम भेज एक पेड़, अब तो फंसा है ये। अरे पीपर तरह सोई गयो बुध लड़कियां, देखावे रुपया रुपये पे लोभ गयू बुध लड़की। तू क्यों नाच रहा है और हंस रहा है रे मालिक? हम देखा ये पिपर तरे सोई गए बुध लड़कियां, तो हमारे रुहाइश ना भा, हमारे खुशी महू डांस करे लागे। तो सुन अब तू भी डांस करेगा और गीत कर बोलेगा, कौन दरोगा जी चोरी हो गई। ओह अरे दरोगा जी चोरी हो गई, हर दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई, अजय भैया सास के घुन पुतो हो माथे, अर दरोगा जी ओ दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई, ऊंचा है दरोगा जी डाकू मर गया, साले डाकू दोबारा आओगे तो हम तुम्हारी लाठी में गांठ घोंसूंगा। मैं तो सब कुछ देखा भैया, लेकिन जानते पिपरा तारा सोई गयो बुध लड़कियां, सिपाही की
क्या देख रहा हूँ, ये रंडी की तरह ठुमके लगा रहे हो क्या? हम दोनों सिपाही तुम्हें रंडी दिखाई पड़ रहा हूँ? अरे ठुमके तो आप उसी प्रकार लगा रहे थे। मारे खुशी माँ, ये खुशी हमें सबका आए कि हम जंगल में सिपाही पाए थे अकेले तो नाची थी। और जो बात आप पूछ रहे हैं क्यों ठुमके लगा रहे हो, ये बात आप हमसे मत पूछिए। यह अजय जिन्हें कंचुदा पड़ा है इनसे पूछो कि ये लोग क्यों ठुमके लगा रहे हैं। अरे सिपाही जी, इसके आंखों से तो काफी खून बह रहा है, लाओ टट्टी बांधो। देशरम वो पट्टी है, पट्टी पट्टी साहब, आपकी आंखों से काफी खून बह रहा है, आपसे जो कुछ पूछूं मुझे साफ साफ बताइएगा। ठीक है भाई साहब, आप जो पूछेंगे हम आपसे जरूर बताएंगे। आंखों में क्या हो गया और खून रहे चुचुआ, और कैसे दोनों हो परे अरबिया पानी पर भाई साहब। आप कौन हैं और आपकी आंखों में क्या हो गया, ये खून कैसे बह रहा है? सुनो मैं सब बताऊंगा। आप तीनों, अरे रामगढ़ का सेनापति हूँ, अरे भीम सिंह जागीरा ने अंधा किया, सच बताया क्या कहा भाई साहब, तुम्हारी आंखों को जागीरा डाकू ने फोड़ दिया। हाँ भाई साहब, तब तो शैतान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा नर्क किया भाई साहब। किसी ने बतलाई भाई साहब कि आप कौन है जो इस समय मेरी मदद करने के लिए आ गए? श्रीमान जी सुनिए कि मैं कौन हूं। मैं पहलिया हूं जंगल का सेनापति, साथ में आप और चलिए मेरे जो परी, और दवा उपचार चल कर कराऊंगा मैं। दवा उपचार
कई कराऊ गमी बात में आप हमारे साथ हमारी झोपड़ी चले, हम आपका अपने झोपड़ी में इलाज करवाते हैं। चलिए भाई ये बताइए कि दवा होने के उपरांत अब आपकी आंखों का दर्द कैसा है? भाई साहब, अब मेरी आंखों का दर्द बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी हाँ, बहुत अच्छी बात। आपके झोपड़ी का जल बहुत बढ़िया रहा जो आ रहे हो भैया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमें लगा दिए मटके का पानी घड़े का भैया, बहुत ठंडा है। अच्छा ये बताइए कि हमारे लिए आदेश क्या है? तुम्हारे लिए आदेश है, जैसे आपने सब काम किया है, पानी पिलाया, इनकी आँख में पट्टी बांधा है, तो थोड़ा सा एहसान कीजिए हमें। किस बात? हमें और सेनापति और सिपाही को चरके महाराज रामगढ़ के दरबार में छोड़ दीजिए। हाँ भाई साहब। सिपाही जी चलिए, हम आपको वाह सैनपत जी को हम आपके रियासत रामगढ़ ले चलते हैं। दरबारी क्या हुआ, कैसी शरम? सेनापति भीम सिंह, मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे आंखों में पट्टी। और देख रहा था आंखों में पट्टी बंधी, देख रहा था और कैसे ये सब हो गया और बदलाव हो। क्या हुआ भीम सिंह, तुम्हारी आंखों से खून और आंखों में पट्टी? आप सारी हकीकत महाराज जी से बताइए। जरूर बताऊंगा भाई साहब। महाराज, जब हमने मोहरे 560 मोहरे लेकर मैं आता था, क्या कहा, मोहरे लेकर वापस आ रहा था, वापस आ रहे थे तो जंगल के रास्ते में मुझे डाकू जागीरा मिला। डाकू जागीरा जी महाराज, और उसने कहा कि
के मोहरों से भरा थैला मुझे दे दीजिए। हमने इनकार किया महाराज, और उसने इनकार के बदले मेरी दोनों आंखें फोड़ डाली और मोहरे छीन ली। क्या कहा? जागीरदार डाकू, मोहरे छीन लिया और तुम्हारी आंख फोड़ दिया। सिपाही, तुम क्या बताना चाहते हो? महाराज, उसने मोहरे छीन लिया। हम तो बहुत डरवाए धमकाए कि मैं गुंडा हूं, लेकिन हमारा गुंडे ही झाड़ ली। महाराज, उसने मोहरे छीन कर लेके चला गया। ये नौजवान मिले, इनसे मैंने कहा कि महाराज के यहाँ हमें छोड़ दीजिए तो लेके आए। महाराज इससे पूरी बात पूछ। नौजवान, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? राजन, हम आपके स्टेट के जंगलों में निवास करते हैं। उसी जंगल में मेरी एक छोटी सी झोपड़ी बनी है। उसी झोपड़ी में मैं अपना जीवन यापन करता हूँ राजन। मेरा नाम गिरधारी है और मैं जात का बहलिया हूँ राजन। गिरधारी बहलिया, तुमने सेना पर भीम सिंह के साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। बोलो नौजवान गिरधारी, तुम क्या चाहते हो? जो चाहोगे वो मिलेगा। राजन, हम आपके गुलाम हैं, आपके प्रजा हैं, आपके राज में रहते हैं और आपका ही खाते हैं और आपका ही गुड़गुड़ करते हैं। राजन, यदि आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो ये इनाम आपके पास एक धरोहर के रूप में रहेगी। वक्त आएगा तो राजन मैं अपना इनाम स्वयं मांग लूंगा। कहा, अपना इनाम वक्त आने पर मांगोगे? उस वक्त का इंतजार हम बड़े बेसब्री से करेंगे। जैसी आज्ञा। अब मैं चलना चाहता हूँ। महाराज की जय हो, मंत्री जी की जय हो, भैया भीम, नमस्ते भाई। राम कुमार जी, बहलिया जी, नमस्ते। आपने अपने दरबार में, अपने घर में हमको पानी पिलाया है, उसके हम आभारी हैं। अरे ये चलिए, तो मेरा फर्ज था। चलिए हमारे यहाँ चाय पी लीजिए, चाय पीकर तभी जाइएगा। राम कुमार, एक बात और है, कभी जंगल की तरफ आना तो हमारी झोपड़ी की तरफ जरूर आना। हम जरूर आएंगे और महाराज से छुट्टी लेकर हम आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। जय राम जी की। जय राम जी। सेना पर भीम सिंह, क्या कहा? तुम्हारी आंखें जागीरदार डाकू, क्या कहा? जागीरदार डाकू, नेक की अंधा तुझे, बात सुन करके तेरी कम हुआ भारी मुझे। जागीरदार को मरवाऊंगा तब सांस जिगर मेरा होगा, जब सर करके आएगा तो बदला पूरा मेरा। मेरे दरबार बात मेरी सुनो, मेरे मेरे दरबारियों बात मेरी सुनो। क्या कोई वीर है मेरे दरबार में? डाकू जागीर को कैद जो कर सके कभी इनाम पाएगा। राम कुमार, तुम महामंत्री संग्राम सिंह के साथ जाओगे, रास्ता बता दीजिए। अरे हमका छुट्टी दो सरकार,
हमारी जोड़ू बाबे मार, हम तो पराहन लचार तोरे घरवा। तू नहीं जाओगे? महाराज हम जहर खा लिए, लेकिन जाकू जागीर ढर्रा बता लिया जोन पिलाई पिले बा कि हमें याद बा। राम कुमार तुम मत जाओ, तुम रहने दो, राम प्यारी महामंत्री के साथ तुम जाओगे। हाँ हाँ हम चलेंगे, हम चलेंगे, मेरा भी इम्तिहान हुआ था, लेकिन डरते थोड़ी है। तुम मेरे साथ चलोगे? जाओ।